हाय, कैसे हैं आप सब। साहो मूवी जो आपने अभी तक शायद देख ली होगी या फिर देखने का प्लान कर रहे होंगे, तो इस मूवी के रिलेटेड रिव्यू मैं देने वाला हूं क्योंकि मैं ये मूवी देख चुका हूं। तो यार एक बात बता दूं कि जितनी भी आपकी इस मूवी से एक्सपेक्टेशंस थी उतनी मत रखिए जब ये मूवी आप देखने जाते हैं तब, क्योंकि यार मैं भी इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस लेके गया था कि ये मूवी हॉलीवुड को भी टक्कर देगी और अच्छी खासी हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करेगी। पर मेरी उम्मीदों पर ये मूवी खरी नहीं उतरी। मैं ये मूवी जब देखने गया तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने इस मूवी के लिए कुछ ज़्यादा ही पैसे दे दिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मूवी आप कोई भी प्राइस में देखने जाएंगे, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं और अगर आप ये ही मूवी देखना जाने चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च मत कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह आपके भी पैसे वेस्ट हो जाए। इस मूवी में आपको ऐसे ज़्यादा एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे, दो या तीन बड़े बड़े एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जो इस मूवी की स्टोरी लाइन है वो बहुत इतनी भी अच्छी खासी नहीं है। हाँ, अगर आप प्रभास के फ़ैन हैं मेरी तरह, और एक वजह यह भी हो सकती है कि सिर्फ आप प्रभास की वजह से ही ये मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, तो अच्छी बात है क्योंकि आपको इसमें प्रभास की जो एक्टिंग है वो बहुत ही पसंद आएगी। और जो श्रद्धा कपूर है तो हाँ ठीक है, इसके पास भी कोई ज़्यादा प्ले करने के लिए इतना अच्छा खासा कैरेक्टर नहीं है, कुछ सीन्स हैं इनके भी अच्छे, पर एक्टिंग अगर कहूँ तो ठीक ठीक है इनकी भी। और एक जो है कि ये मूवी के हिसाब से जो कैरेक्टर है प्रभास पे इतना सूट नहीं करता, क्योंकि जो एटीट्यूड दिखना चाहिए वो थोड़ा सा मुझे कम लगा। तो आपको ये कैसा लगता है मुझे नहीं पता है, आप जब देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं बाटला हाउस जो कि बहुत ही कम बजट मूवी है, मिशन मंगल, तो उस हिसाब से साहो जो कि बहुत ही हाई बजट है, करीब 400 करोड़ रुपए इस मूवी को बनाने में लगे हैं, तो इसके हिसाब से जो मूवी की जो स्टोरी मिलनी चाहिए वो शायद नहीं मिली। एक बात लगी कि इस मूवी में जो डायरेक्टर है उसने एक ही मूवी में कई सारी स्टोरी प्ले करने की कोशिश की है, एक ही मूवी में बहुत सारी स्टोरी अंदर अंदर चल रही है, तो जब आपको पता चलेगा कि अंदर क्या ट्विस्ट है तब तक आपकी जो मूवी का मज़ा है वो चला जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।